हेलो दोस्तों, मैं रामस्वरूप सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे प्रत्यक्ष तंत्र, जिसमें आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संचारी प्रत्यक्ष तंत्र और कोशिका विहित प्रत्यक्ष तंत्र, जो अनुकूली प्रत्यक्ष तंत्र के प्रकार हैं। शुरू करते हैं हम वैसे इनके बारे में संक्षिप्त रूप में पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। संचारी प्रत्यक्ष तंत्र की बात करें, जिसको हम प्रत्यक्षी व्यवहित प्रत्यक्ष तंत्र भी कहते हैं, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म AMI, एग्जाम में AMI के नाम से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी है कोशिका व्यवहित प्रत्यक्षा, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी CMI। AMI क्या है संक्षिप्त में देखते हैं। ये बी कोशिकाओं या बी लिम्फोसाइट्स, दोनों का मतलब एक ही है, द्वारा संपन्न की जाती है, और CMI ये टी कोशिकाओं या टी लिम्फोसाइट्स द्वारा संपन्न की जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये किसके प्रकार है? ये प्रकार है अनुकूली प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा या विशेषीकृत प्रतिरक्षा। इसके ये क्या है, दो प्रकार है। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं, इनका विकास और परिवर्धन कैसे होता है ये हम देखेंगे। एक लिम्फोइड स्टम कोशिका होती है, लिम्फोइड स्तंभ कोशिका होती है, स्टेम सेल्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ये आगे चलकर तीन प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं और एनके कोशिकाएं। एनके कोशिकाओं का मतलब नेचुरल किलर कोशिकाएं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ पर होती है? बी कोशिकाओं की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है, टी कोशिकाओं की भी अस्थि मज्जा में होती है और एनके कोशिकाओं की भी अस्थि मज्जा में होती है। यानी इन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है, अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। अब परिवर्धन और परिपक्वन की बात करते हैं। बी कोशिकाओं का परिवर्धन और परिपक्वन अस्थि मज्जा में ही होता है, जहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है वहीं पर ही इनका विकास होता है, परिवर्धन होता है। जबकि टी कोशिकाएं क्या हो जाती है, अस्थि मज्जा से थाइमस में चली जाती है, वहाँ पर इनका परिवर्धन और परिपक्वन संपन्न होता है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और नेचुरल किलर कोशिकाओं का परिपक्वन और परिवर्धन अस्थि मज्जा के साथ साथ द्वितीयक लिम्फोइड अंग के अंदर भी होता है, जैसे प्लीहा, टॉन्सिल, लसिका, गांठे, जिनको इंग्लिश में लिम्फ नोड्स कहते हैं, इनके अंदर इनका परिवर्धन और परिपक्वन होता है। जब संक्रमण होता है हमारी बॉडी के अंदर, तब ये कोशिकाएं बी कोशिकाएं अस्थि मज्जा से कहाँ चली जाती है, द्वितीयक लसीके अंग व संक्रमण स्थल के पास चली जाती है। ऐसे ही टी कोशिकाएं भी इन्हीं अंगों में चली जाती है और एनके कोशिकाएं भी इन्हीं अंगों में चली जाती है, जहाँ से प्रिय बी कोशिकाएं ब्लड के अंदर चली जाती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, वो एंटीबॉडी फिर ब्लड में जहाँ पर भी एंटीजन होता है उसको जाकर नष्ट कर देती है। प्रतिक्रिया क्या होती है, बी कोशिकाएं एंटीबॉडी का स्राव करती है जो एंटीजन के संपर्क में आती है। ऐसे ही टी कोशिकाओं का क्या काम होता है, टी कोशिकाएं मुख्य रूप से साइटोकाइंस का स्राव करती है, साइटोकाइंस जो विभिन्न प्रतिक्रियाएं करते हैं, जिसमें एक मुख्य कार्य बी कोशिकाओं को एंटीबॉडी उत्पादन के लिए प्रेरित करना। एन के कोशिकाएं वो फेगोसाइटोसिस यानी भक्षण क्रिया करती है, यानी निगलती है, निगलने की क्रिया करती है, जो एंटीजन होती है उसको ये निगल लेती है। जैसे कैंसर कोशिकाओं की बात करें तो कैंसर कोशिकाओं को क्या कर देती है, निगल लेती है। वायरस को निगल लेती है, वायरस से अफेक्टेड, वायरस से प्रभावित कोशिकाएं होती है उनको ये एन के कोशिकाएं निगल लेती है फेगोसाइटोसिस की क्रिया से। अब एक जनरल कंसेप्ट हम देखते हैं, लिम्फोसाइट्स की बात करें, लिम्फोसाइट्स कौन सी होती है, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती है। ये किसके द्वारा सक्रिय होती है, एंटीजन के द्वारा ये सक्रिय होती है।
सक्रिय उपक्रिय दो प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण करती है, प्रभावी कोशिकाएं और स्मृति कोशिकाएं, जिनको मेमोरी कोशिकाएं कहते हैं। स्मृति कोशिकाएं स्टोर कर ले जाती है, जब दोबारा आक्रमण होता है तब ये सक्रिय होती है और बहुत अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, यानी इसे बहुत सारी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनको स्किप करके ये डायरेक्ट एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, क्योंकि पता रहता है कि यह वाला पहले आ चुका है और इसके विरुद्ध क्या क्रिया करनी है। प्रभावी कोशिकाएं एंटीबॉडी और साइटोकाइंस का निर्माण करती है। यदि बी कोशिकाओं की बात करें तो वो एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और टी कोशिकाओं की बात करें तो वो साइटोकाइंस का निर्माण करते हैं। बी कोशिकाओं की यहाँ बात करूँ तो प्रभावी कोशिकाओं को बी कोशिका के अंदर क्या कहते हैं, प्लाज्मा कोशिकाएँ कहते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं सबसे पहले प्रकार की बात करता हूँ, संचारी प्रतिरक्षा। कौन सा? संचारी प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा बी लिम्फोसाइट द्वारा संपन्न की जाती है, एकदम करेक्ट। बी लिम्फोसाइट्स मुक्त प्रतिजन यानी फ्री एंटीजन, बॉडी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर फ्री एंटीजन घूम रहा है, चल रहा है, उससे बी कोशिका ग्राही के माध्यम से बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, उस फ्री एंटीजन से बी कोशिका ग्राही, जिसको हम कहते हैं बी सेल रिसेप्टर BCR, इसके द्वारा जुड़कर उस प्रतिजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और वो एंटीबॉडी फिर कहाँ जाती है, रुधिर में चली जाती है, और बहुत सारे एंटीजन जो रुधिर में पहले से मौजूद है उनसे बाइंड करती है, बाइंड करके फिर उसको नष्ट कर देती है। प्रतिजन द्वारा सक्रिय होने के बाद, प्रतिजन के द्वारा सक्रिय होने के बाद बी कोशिकाएं दो प्रकार के कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो हम अभी ऊपर देख रहे हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं जो प्रभावी कोशिका का प्रकार है और स्मृति कोशिका, इन कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, जबकि स्मृति कोशिकाएँ लंबे समय तक संग्रहित रहती है। बी लिम्फोसाइट पर झिल्लीबद्ध प्रतिरक्षियाँ पाई जाती है, झिल्लीबद्ध का मतलब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी कला है, उसके अंदर वो जुड़ी रहती है एंटीबॉडीज, जिसका कोशिका के बाहर की ओर निकला भाग BCR कहलाता है। ये जो BCR पार्ट होता है वो किसका होता है, एंटीबॉडी का ही पार्ट होता है, जो उस बी कोशिकाओं से लगी रहती है, जिससे एंटीजन जुड़ता है तब मुक्त प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। ये बी कोशिका की बात करें, कोई बी कोशिका है, ये प्लाज्मा कोशिका और स्मृति कोशिका में विभाजित होती है। प्लाज्मा कोशिकाएं प्रभावी कोशिकाएं हैं जो आगे चलकर एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जब दोबारा उसी एंटीजन का आक्रमण होता है तब ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और काफ़ी मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण कर देती है या निर्माण को प्रेरित करती है। यहाँ एक और डायग्राम देख रहे हैं, ये बी कोशिकाएं के ऊपर ये झिल्लीबद्ध प्रतिरक्षी है। कौन सी? ये वाले झिल्लीबद्ध प्रतिरक्षी, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कौन सी है, झिल्लीबद्ध प्रतिरक्षी। इसका जो बाहर का पार्ट है वो क्या कहलाता है, BCR कहलाता है, बी सेल रिसेप्टर। इससे कौन जुड़ता है, इससे ये एंटीजन जो फ्री है वो इनसे आकर जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में फिर ये बी सेल स्त्रावी प्रतिरक्षा यानी फ्री एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, जो बॉडी के अंदर जाके फिर इस एंटीजन से क्रिया करते हैं। प्रत्येक बी कोशिका पर लगभग कायदा सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1 लाख BCR के आसपास पाए जाते हैं। प्रतिरक्षा जिनको हम क्या कहते हैं, सीरम ग्लोबुलिन्स भी कह सकते हैं, इनका एक विषमांगी मिश्रण होता है जो कि व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट एंटीजन से जुड़ने की क्षमता रखती है। प्रतिरक्षियों को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं यानी IGB कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, IGB है। एक फॉर्म है, इसकी संरचना है कॉमन, IG की संरचना हम देखें तो यहाँ पर टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, कितनी है, 4 है, जिसमें 2 L चेन है, यानी L का मतलब लाइट, हल्की श्रृंखलाएँ हैं, और 2 हैवी चेन है, हैवी H चेन, जिसको हम H चेन कहते हैं, भारी श्रृंखलाएँ, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती है। ये दो समान प्रकार की होती है, L L
और दो एच एच प्रकार की होती है। इसका ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन से जुड़ने वाले स्थान पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। IgG4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है, हम बात कर चुके हैं। एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच जो इंट्रैक्शन होता है, जब वो जुड़ते हैं, वो सहसंयोजक बंध द्वारा नहीं जुड़ते, हाइड्रोजन बंध वहाँ पर पाए जाते हैं, वंडरवाल्स बल वहाँ पर पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से इनके बीच जुड़ाव होता है। संक्रमण के दौरान जब एंटीजन प्राथमिक व द्वितीयक अवरोधक को भेद कर, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र, हम पहले पढ़ चुके हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र के अवरोधक में प्राथमिक और द्वितीयक अवरोधक आते हैं, इनको भेदने के बाद में जब एंटीजन परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड में, रक्त में पहुंच जाता है, तब बी कोशिकाएं BCR के माध्यम से एंटीजन के एपिटोप से जुड़कर, एंटीजन का वह पार्ट जो एंटीबॉडी से जुड़ता है, एपिटोप कहलाता है, से जुड़कर एंटीबॉडी के निर्माण को शुरू करती है, तब रक्त में उपस्थित एंटीजन से क्रिया करके उसे नष्ट कर देती है। ये एक संक्षिप्त रूप से मैंने सरल भाषा में AMI के बारे में बताया। किसके बारे में? AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा प्रकार है CMI, कोशिका वेवित प्रतिरक्षा। संचारी प्रतिरक्षा के विपरीत कोशिका वेवित प्रतिरक्षा टी कोशिकाओं द्वारा संपन्न की जाती है, वो बी कोशिकाओं द्वारा संपन्न की जाती है और ये टी कोशिकाओं द्वारा संपन्न की जाती है। टी कोशिकाओं पर TCR पाए जाते हैं, यानी टी सेल रिसेप्टर, टी कोशिका ग्राही, जो सीधे तौर पर एंटीजन से क्रिया करते हैं। बी कोशिकाओं जो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, जो परिसंचरण तंत्र में संचारित होती है, के विपरीत टी कोशिकाओं पर 1 लाख से अधिक TCR पाए जाते हैं, जो सीधे ही APC पर प्रस्तुत किए गए एंटीजन से क्रिया करते हैं। APC वो कोशिकाएं होती है जो एंटीजन को लेकर आती है, क्योंकि एंटीजन रक्त के अंदर है, उस रक्त के अंदर उस एंटीजन को लेकर आती है, या ऊतकों में एंटीजन है, उनको वो APC कोशिकाएं लेकर टी कोशिकाओं के पास चली जाती है और टी कोशिकाएं फिर उनसे क्रिया करती है। किसके माध्यम से? TCR रिसेप्टर के माध्यम से, यानी कोशिका का कोशिका से संपर्क होता है, यहाँ पर कोशिका का कोशिका से संपर्क होता है, जबकि वहाँ पर एंटीबॉडी जाकर एंटीजन से क्रिया करती है, यहाँ पर डायरेक्ट टी कोशिका उस एंटीजन से जाकर क्रिया करती है। सक्रिय टी कोशिकाएं विलयशील साइटोकाइंस का निर्माण करती है, लेकिन ये प्रतिजन विशिष्ट नहीं होते हैं। आकारिकी रूप से टी कोशिकाएं कई प्रकार की होती है। यहाँ पर एक सिंपल संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे, जब टी कोशिकाएं अलग से हम पढ़ेंगे, तब उनके प्रकारों का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार मैंने यहाँ पर शो किए हैं, TH सेल, TC सेल, TR सेल, TIB सेल हो सकता है, टी इनहिबिटरी, कई और नाम भी दिए जा सकते हैं, टी सहायक कोशिकाएं, TH का मतलब टी सहायक कोशिकाएं। ये 20 कोशिकाओं की सहायता कर एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ाते हैं, इन पर CD4 मॉलिक्यूल्स या अणु पाए जाते हैं। दूसरी प्रकार के CT सेल्स, यानी सी साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं या सी विषैलीकृत कोशिकाएं, ये लक्षित कोशिकाओं पर, टारगेटेड, जहाँ पर इनको जाना है, उन कोशिकाओं पर घातक प्रभाव डालकर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती है। इनके ऊपर CD8 अणु पाए जाते हैं। ऐसे एक तीसरा प्रकार है TR सेल, टी रेगुलेटरी सेल। ये कोशिकाएं अन्य टी कोशिकाओं की एक्टिविटी को नियंत्रित करते हैं, इन पर CD25 अणु पाए जाते हैं। ये टी कोशिकाओं के प्रकार है। यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया छोटा सा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। बी लिम्फोसाइट के ऊपर झिल्लीबद्ध प्रतिरक्षी पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, BCR, और टी कोशिकाओं पर क्या पाए जाते हैं, TCR पाए जाते हैं। हालांकि हम संचारित प्रतिरक्षा और कोशिका वेवित प्रतिरक्षा को प्रतिरक्षा तंत्र की अलग अलग शाखाएं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि अलग अलग प्रतिक्रिया करती है, लेकिन जब किसी विशिष्ट रोग कारक या प्रत्यजन का आक्रमण होता है, तब उसके विरुद्ध ये दोनों मिलकर एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि इसके साथ साथ
जो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र होता है वही भी सम्मिलित होता है। यानी तीनों तंत्र, जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र और अनुकूलित प्रतिरक्षा तंत्र के जो प्रकार है, संचारी प्रतिरक्षा तंत्र और कोशिका व्यतीत प्रतिरक्षा तंत्र, ये तीनों मिलकर एक जटिल प्रक्रिया करते हैं और ये सभी मिलकर रोग कारक को बॉडी से निष्कासित कर देते हैं और शरीर को उच्चतम जीविता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये अनुकूलित प्रतिरक्षा के दो प्रकार हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। यदि कोई शॉर्ट नोट आता है तब तो आपको ये पूरा लिख रहा जाना है, आपके इसमें बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।